तो मेरा बेटा है ना? यार नहीं, आई मैया आएंगे जल्दी आएंगे। तुम्हारे लिए क्या लेके आया बताओ? के साथ साथ पैर का भी दर्द बहुत ज्यादा है, मतलब कि आज ही सारा मुसीबत आ रहा था। अटैच ही करना था पैर पे, पेट में दर्द हो रहा था। वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, ललन ताप होंगे। तो अब जाने का समय हो गया है, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से प्रयागराज। मैं किट्टो देख। तुम और बोल करके उसको मुंह बनवा दो। लो तो थोड़ा सा ऋषभ इमोशनल हो गया है। तो मेरा बेटा है ना? मैया आएंगे जल्दी आएंगे। तुम्हारे लिए क्या लेके आया बताओ? देखो किसी ने दोगे, किसी ने दोगे, किसी ने दोगे, तुम भी दो दो, हम ले लिए, तुम भी दे दो दो। कहाँ मुँह बना है? लेकिन इस बार मुझे रोना आ रहा है सच में। इस बार मैं मुझे दिल से नहीं जा रही हूँ ना। जब रक्षाबंधन पे जाती तो मम्मी भी रो रही थी। जाना है 2 दिन बाद, फिर आना है तो क्या फालतू रोना। होता है ना कि इसमें इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, जब हम लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं सब। हंसे हंसे जा यार, रात में आराम से रहो, शादी। चलो बाबू, लेट हो रहा है क्योंकि आज हड़ताल है, कैब का मिल नहीं रहा है, कब से बुक कर रहे हैं। चले चलिए। हम किसी और चीज के लिए बोल रहे हैं, हमको लहंगा नहीं। चलो चलो चलो, खुश रहो, जल्दी खुश खबरें सुनाओ सबके लिए। ऐसा राशि चीज करा था जैसे लग वो मिलवे ना कभी। बाय बाय लल्ला, बाय सोना। हाँ लिलुआ, एप्पल खा लेना है। एप्पल लेकर जा रहे हैं, जल्दी। लेकिन एक बात है, लिया मुस्कुरा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। पापा भाई ना, पापा भी भाई। चलो किसी दो, तुम दो, बाय। जा काम करता मेरा, इधर नहीं जाने का मन है। चल मैं पैकेट तो कर रही हूं, फालतू है। सो गाइस, अब हम लोग उतर रहे हैं। चलो तुम तो बाबा चले चलो। अरे चलो, क्या फालतू बात है, जाइए। मैं लगा के चलूंगी। बाय 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 लीनू। दोस्तों, हम लोग नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गए हैं। पता नहीं बहुत जल्दी आए हैं, बहुत स्पीड में लेकर आए हैं ये। जब लोग जाते हैं गांव ना, तो ऐसे ही पलटा पलटी लेकर जाते हैं। इधर कनॉट प्लेस होके बहुत सारे लोग आते हैं। आप कनॉट प्लेस वाले से नहीं आए ना? तभी जल्दी पहुंच गए। चले गए, एक ही बैग है। भैया पूछने आ गए और नई दिल्ली स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। सारे गांव जाने वाले लोग हैं, वो कहीं 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 जाने वाले हैं, है ना जी। और मेरे पैर में लग गया है चोट दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, एकदम काला हो गया है, जिससे कि मैं लंगड़ा के चल रही हूँ। लंगड़ बाबा बन गई हूँ मैं। इसको तो मैं पीछे टांग लेती हूँ ना, क्यों वजन नहीं है नहीं ना, हम टांग।
हमारे तो हुए, तुम कष्ट लोगी क्या? क्या हुआ? आओ चलिए। चलिए, आपको पता है इस दर्द की वजह से ना मेरे हल्का हल्का फीवर जैसा फील हो रहा है। तो गाइस, इस चित्र के अंदर कौन कौन सी दिल्ली की मशहूर चीजें दिख रही हैं बताइएगा आप लोग। अब तुम ही बता दो। एक तो वो स्टेशन है ना, वो क्या है? राष्ट्रपति भवन, संसद है वो। ये तो इंडिया गेट है। ये क्या है? ये वाला, ये क्या है बताओ? ये फोटो इसमें देखो, ये क्या है? जंतर मंतर एक है, वो है लेकिन भूल गए। फोन आ रहा, रुक जाओ। तो गाइस, किट्टो ने जैसा कि बताया कि सूटकेस उसके पैर में गिर गया था और लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है शादी में, कल कैसे करेगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसकी हालत तभी से खराब हो रहा है। मैं पकड़ लूँ ये भी? नहीं, ये बताई होते तो पेन किलर ले लिए होते, एक मूव भी नहीं लिए हम। तो हम ज्यादातर तो फर्स्ट एड बॉक्स लेके चलते ना। किट्टो मेन हड्डी पे ही गिर गया है ना, इसके मेन ज्यादा पेन हो रहा है। जब गिरा था तो स्लीपर पहन के तो कहीं गए नहीं। अभी जब मैं पहनी तब मुझे एहसास हो रहा है। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हमने अपना बैग का चेकिंग करवा लिया है। हम लोग जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और कहाँ गए, 11 में हमारा बस वेट कर रहे हैं ट्रेन लगने का। 9:30 बजने वाली और हमारी ट्रेन आ गई है। हम सफर किट्टो तैयार है? दस 5 हो गए और ट्रेन में चढ़ते ही किट्टो को सरप्राइज मिल गया। पर्दे तो पिछली बार लग गए थे, हम लोगों ने देखा था पिछली बार पर्दे। मैं किट्टो तुमको क्या बोला था कि मेरे ख्याल से आज बहुत जल्दी ब्लैंकेट वगैरह मिलने लगेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था नहीं जल्दी मिल जाएगा, पता नहीं था ना मैं। लेकिन किट्टो ने रखवा लिया, चोट भयंकर लगी है तुम्हें। सो किट्टो तबीयत ठीक है? तुम दिख नहीं रही हो। मेरा क्या सीन है ना, 3 दिन हो गए मेरे को खाना खाने, बहुत बर्दाश्त की हूँ। और एक तो मेरे पैर में इतना खतरनाक चोट लगा ना उसकी वजह से, और एक पैर का पेन, एक पेट का दर्द, एक फीवर का, पता नहीं कैसे ही ये सब मेरे साथ होने लगा। हौसला दे रहे हैं, सो जा सो। मैं जब चिल्लाऊंगी तो एक गोली मारेंगे, ऐसे नींद नहीं आएगी पता है। अब बोले ना खा लो, लेकिन हम खाए नहीं। किट्टो, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या पेट में? लिम का पी लो, थोड़ा सा पी लो, इसे भी बोल रहे तो कुछ खा लो कम से कम। क्या हुआ? ये पता है बिल्कुल भी नहीं खाई भी, इसको मैं कितनी बार बोला कुछ खा लो कुछ खा लो कुछ खा लो, लेकिन पता क्या बोलती है? नहीं, मैंने ठान रखा है तो ठान रखा है। अरे कल शादी विवाह में जाकर फिर लपेटना तो है ही। सपत है, सपत ले रखे। और हालत देख, अभी पेट में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगा था कि इसको इतना पेट में दर्द होगा। मैं इसको बोल रहा हूँ लिमका पीने, लिमका पीने से थोड़ा राहत मिल जाती है। सो गाइस, जब इस थोड़ा सा इसको आराम मिला है तो सो गई है। तो अब बज चुके हैं रात के 11:30, तो मैं भी सोने जा रहा हूँ, सुबह मिलूंगा। 6 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज, और हम सफ़र ट्रेन पीछे खड़ी है और काफ़ी टाइम हो गया, 10 मिनट हो गया है हम लोगों को पहुँचे हुए।
तबीयत कैसी है? बस बस दर्द है पेट में, आराम है? नहीं, गुड़ 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 कर रहा है। चलो ठीक हो जाएगा, आराम लग जाएगा। हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं और किट्टो को रात में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी पेट में, लेकिन अभी भी हल्की फुल्की दिक्कत है, लेकिन राहत है, ज़्यादा कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ जाएंगे आगे। तो इस वाले ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और जुड़े रहिएगा। रात में आएगा शादी वादी का ब्लॉग, तैयारी का ब्लॉग, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। प्यार देते रहिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।